13 देखिए, 13 का ए नंबर दिया, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में एंगल ए और एंगल सी का मान बताना है। चलिए एंगल ए और एंगल सी का दोनों त्रिभुजों में बताना है, इसमें भी और इसमें भी। तो पहले देखो, अगर मैं इस एंगल ए की बात करूं तो देखो आपके पास दिया क्या क्या है, पहले ये देखो। तो अगर एंगल ए के अनुसार देखोगे तो यहाँ पे लंब और कर्ण दिया है, तो हमें साइन ए लेना होगा। तो साइन ए बराबर में हो जाएगा लंब बी सी और बटा में कर्ण ए सी। तो साइन ए बराबर में 3 सेंटीमीटर और बटा में 6 सेंटीमीटर, कट जाएगा 1/2। तो साइन ए बराबर 1/2, तो 1/2 साइन में कितना डिग्री का होता है, साइन 30 डिग्री का ना होता है, यानी कि यहां से ए बराबर में आ गया 30 डिग्री। उसी तरह से अगर बी निकालना है तो नहीं सी निकालना है, यह कोण लेके चलोगे तो आधार है और ये कर्ण है, तो कॉस सी लगाओगे, तो कॉस सी बराबर में आधार बी सी और कर्ण ए सी। तो कॉस सी बराबर में आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और बटा में 6 सेंटीमीटर, कट जाएगा 1/2। तो कॉस सी बराबर 1/2, तो कॉस में यह कितना डिग्री का होता है, तो कॉस सी बराबर में यह कॉस 60 हो जाएगा, है ना जी। तो यहां से कॉस हट गया, सी बराबर में 60 डिग्री, समझ गए। चलिए अब इसमें देखो, दूसरे वाले त्रिभुज में, बगल वाले में, यह अगर ए लेके चलते हैं तो लंब है और आधार है, ठीक है। तो साइन ए सॉरी टेन ए, लंब और आधार दिया है तो टेन लेके चलेंगे ना, टेन ए बराबर में हो जाएगा बी सी और बटा में ए बी, यानी कि 1/1 सेंटीमीटर बटा में √3 सेंटीमीटर। तो ये आपका 1/√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटा दो तो टेन ए बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 कितना डिग्री का होता है, टेन 30 का ना होता है, टेन 30 का होता है, तो 30 टेन हट गया, ए बराबर में 30 डिग्री, ये सेकंड को बना रहे हैं। अब अगर एंगल सी निकालना है तो लंब बटा आधार यहां भी लगाना होगा, टेन सी बराबर में ए बी बटा बी सी, यानी कि √3 सेंटीमीटर बटा में 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया, तो टेन सी बराबर √3 है, √3/1 √3, यानी कि ये टेन 60 का ना वैल्यू होता है, तो टेन 60, यानी कि सी बराबर में आ गया 60 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 13